आज हम लोग चलेंगे बेटा बायोलैब टू। आई एम मीनाक्षी यादव, पीजीटी बायोलॉजी ऑफ आरपीएस स्कूल्स। नाउ दिस इज आवर बायोलॉजी लैब। इन द बायोलॉजी लैब व्हाट द थिंग्स आर प्रेजेंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द स्पेसिमेन। दीज स्पेसिमेन्स आर ऑल ऑफ एनिमल्स। सारे ये बेटा एनिमल्स के हैं, आइदर दे आर द एक्वाटिक एनिमल्स और द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके स्पेसिमेन है। नाउ यू कैन सी द वेरियस चार्ट्स। दिस चार्ट इज ऑफ माइटोसिस इन एनिमल। एनिमल सेल्स में माइटोसिस किस कंडीशन में होती है, क्या क्या स्टेजेस है वो दिखा रखा है बेटा। सेकेंड इज हाउ द फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस का भी दैट इज ओनली द लाइट रिएक्शन दे आर शोइंग, कि हाउ द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। दीज चार्ट्स, थ्रू दीज चार्ट्स हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ दिस चार्ट इज ऑफ पीएच ऑफ डाइकॉट स्टेम। एक्चुअली दिस यू कैन से कि मैम ये तो स्टेम जैसा नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम एंड इट इज शोइंग एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स हाउ द वेरियस टिश्यूज आर अरेंज्ड इन द स्टेम। स्टेम में किस तरह से वेरियस टिश्यूज अरेंज है उनकी एनाटॉमी, उसको जो स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर एनाटॉमी। दीज आर द स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने एनिमल स्पेसिमेन देखे थे, ये सारे स्पेसिमेन किसके हैं बेटा, प्लांट्स के हैं, जिसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स के भी स्पेसिमेन हैं, टेरेस्ट्रियल के भी हैं, जीरोफिटिक कंडीशंस के भी हैं, मीजोफिटिक कंडीशंस के भी। नाउ अगेन द वेरियस चार्ट्स आर देयर। चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बायोलॉजी। इफ वी वॉन्ट टू टेल देम, इफ वी वॉन्ट टू मीन्स द स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड द बेटर थिंग इन एनलार्ज व्यू, टू देन दिस चार्ट आर वेरी हेल्पफुल। सपोज दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, तो यू कैन सी वेरियस सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। वी कैन इजीली शो देम कि हाउ दिस सेल ऑर्गेनल्स आर एंड वेयर दे आर प्रेजेंट। नाउ हियर द फूड चेन इशू। फूड चेन मीन्स हु ईट्स हु। In the lower portion they are showing the aquatic food chain, while in the upper they are showing the terrestrial food chain. Aquatic food chain में seal को बेटा दिखा रखा है, that is topmost carnivores, and terrestrial food chain में eagle को बता रखा है topmost carnivores. Now this is the chart of the RNA, different type of RNA, and how the transcription and the translation takes place. That we already studied in the 12th standard. Okay, now we have to come on to the next. Like this. This is a very important chart of the pedigree analysis, which we have to study in the genetics. Because human beings ke jitni bhi studies ki jaati hai, that is done under pedigree analysis. Okay. Now we are coming on to again. This is the monopod. PS. PS means transverse section. Transverse section of the monopod root, how the cells are arranged, how these diagrams flow and they are arranged. Now, I'm just come and just see the most fascinating part of the biology lab. This is the most fascinating part of the biology lab. Each and every student of the school, they all just want to come and have a look of this skeleton. हर बच्चा बेटा बचपन से जब भी कोई जाता है तो वो बायो लैब में सबसे पहले स्केलेटन ही देखना चाहता है। तो ये स्केलेटन है बेटा, जिसके अंदर बोन्स किस तरह से अरेंज है, ईच एंड एवरी बोन दे आर शोइंग एंड दे आर शोइंग इन दैट हाउ दे आर अरेंज। तो अल्टीमेटली यू कैन सी दिस इज द स्केलेटन ऑफ, मेरी हाइट से भी बड़ा साइज का स्केलेटन है। तो इट इज यू कैन से कि पूरा ह्यूमन बींग के जितना है, किस तरह से कौन सी बोन लॉन्गेस्ट होती है। जैसे हम कहते हैं हमारी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है बेटा, फीमर। तो इसमें बेटा ये वाली जो बोन दिखा रखी है, दैट इज फीमर, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन। तो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द बायोलॉजी लैब। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दैट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, हाउ वी हैव टू यूज इट
and how we have to tackle them. Now you can see various microscope. हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप जो है वो बायोलैब की जान है. क्यों जान है बेटा? क्योंकि अगर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी टिश्यू है, किसी भी प्लांट में टिश्यूज प्रेजेंट है, एनिमल में टिश्यूज प्रेजेंट है, कोई बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी हम लोग ये माइक्रोस्कोप में करते हैं. तो हियर आई एम जस्ट शोइंग फोर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. दिस माइक्रोस्कोप, सबसे फर्स्ट में बेटा आप लोगों को ये वाला माइक्रोस्कोप दिखाती हूँ. दिस इज कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप. इसको हम डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे फर्स्ट चीज है कि इसके अंदर ओनली सिंगल लेंसेज दिया, दिस विच इज द आई पीस. ओके, एंड इसके अंदर हम यूजुअली जब कोई चीज को डाइसेक्ट करते हैं, जैसे फ्लावर की हमको ओवरी का डाइसेक्शन करना होता है और ओवरी का टीएस लेते हैं, तो वी कैन सी द सेक्शन ऑफ द ओवरी थ्रू दिस. ये उसको 20 टाइम्स मैग्निफाई करता है. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द अनदर माइक्रोस्कोप. दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये सारे माइक्रोस्कोप बेटा लाइट माइक्रोस्कोप. वन मोर माइक्रोस्कोप इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आई विल टेल यू हाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम दिस लाइट माइक्रोस्कोप. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस लाइट माइक्रोस्कोप. नाउ दिस इज अ सिंपलेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप. व्हाई इट इज लाइट माइक्रोस्कोप? बिकॉज this is I just show you the example, or first I will just tell you the parts. This part of the microscope, it is called as eyepiece. It is the eye lens. Okay, now the another piece which is present towards here, जहाँ पे हम लोग बेटा slides लगाते हैं, तो ये जो slides लगाने वाला portion है और ये वाले portion जो है, these are called as the objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बिकॉज दीज लेंसेज आर प्रेजेंट नियर टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के पास में प्रेजेंट है इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द पार्ट फ्रॉम विच द स्लाइड हैज टू बी कैप्ट. तो इसको स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए वी सिंपली पुट लाइक दिस. ये दोनों जो नॉब्स हैं इसका हम लोग मूवमेंट करके, जैसे अगर मुझे इसको फॉरवर्ड करना है स्लाइड को, तो आई हैव टू मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज मैनर. इफ आई हैव टू मूव बैकवर्ड देन इट विल बी क्लॉकवाइज मैनर. अगेन अ लोअर नॉब, एक नीचे भी नॉब है बेटा, इसको अगर मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करूंगी देन इट इज कमिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, एंड इफ आई विल मूव इन अ क्लॉकवाइज मैनर देन इट विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दे मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट many times. Suppose I'm just showing you this lens is of 5x. Okay, now I'm just putting it as a 5x. Okay, and this lens is of 10x. Okay, तो total हम कितना magnify करके देख रहे हैं? Total हम magnify कर रहे हैं, 5 इसका magnify हो रहा है, 10 इसका, तो 5 10 का 50, means 50 times magnification. Okay, this is the another light microscope. ये भी compound light microscope ही है, but what is the difference between this and this? आप कहोगे मैम both are same. Yes, both are same, but only difference is there कि यहाँ पे हमें slide को eliminate करने के लिए, means object को light provide करने के लिए we use mirror. हम लोग mirror use करते हैं, और मिरर से जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन से यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? इल्यूमिनेट होता है. ओके, तो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेशन देने के लिए वी आर यूजिंग द लाइट एंड द मिरर. हेयर ऑल्सो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग द लाइट ओनली, लेकिन यहाँ पे लाइट हमें किससे प्रोवाइड हो रही है बेटा? हेयर इट इज अ एलईडी बल्ब, एंड दिस एलईडी बल्ब इज इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट. यस, ये अभी स्विच ऑन किया प्रीतम सर ने, तो ये लाइट से इल्यूमिनेट हो गया. यू कैन सी द लाइट इज कमिंग ओवर हियर, सो द ऑब्जेक्ट गेट इल्यूमिनेटेड. और जब ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो जाती है तो इट इज इजी टू सी.
Now, the third type of the microscope, it is also the simple light microscope, but it is called as binocular microscope. Binocular why? Because we can see by both our eyes. हम लोग अपनी दोनों eyes से we can use to see. अब binocular microscope का advantage क्या है? Because the binocular microscope is advantageous because it put less stress on our eyes. हमारी eyes पर less stress आता है. उनको देखते हैं तो we have to close one eye. Okay? But in this we don't need to close our eyes. By just watching like this we can see the object in a binocular fashion. जैसे हमारी eyes होती हैं हम simply object को देखते हैं हमें 3D view नजर आता है तो इसमें भी हमें इसमें 3D view नजर आए. Now इसके अंदर how it is different? It is a binocular microscope. Here the illuminating the object get illuminated by the light only. तो ये भी एक तरह का light microscope ही है. लेकिन yes you can see यहाँ पे लाइट का सोर्स बहुत ब्राइट है बिकॉज इट इज इल्यूमिनेटेड. ये भी आपके एलईडी बल्ब से ही इल्यूमिनेट हो रहा है बट इट इज इल्यूमिनेटेड बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द करंट. इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है इसको तो इल्यूमिनेशन पावर इसका हाई है और इल्यूमिनेशन पावर हाई होने की वजह से इसके अंदर बहुत ईजीली विजिबल होता है. बहुत विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है. ये माइक्रोस्कोप यूजली बेटा स्कूल्स में नहीं यूज होता. जब कॉलेजेस में जाते हैं एमएससी के लिए जाते हैं वहां पे यूज करते हैं बट आर स्कूल ओनली फॉर की ग्रेटर एक्सपोजर कि बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिले कि हाउ वी कैन सी थ्रू द बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप. इसलिए हमारे स्कूल में ये बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप है. अदरवाइज यूजली सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं होते. वहां पे केवल ये माइक्रोस्कोप्स है. नाउ वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू कि हाउ टू हैंडल दिस माइक्रोस्कोप. इस माइक्रोस्कोप को पकड़ा कैसे जाता है? तो कई बार बच्चे इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं कहीं ऐसे. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. व्हेन यू हैव टू होल्ड द माइक्रोस्कोप यू हैव टू होल्ड द माइक्रोस्कोप लाइक दिस. वन हैंड शुड बी हियर एंड अदर शुड बी लाइक दिस. ऑलवेज हैव टू कैरी लाइक दिस. ओके नाउ व्हेन वी हैव टू कीप इट इट शुड बी लेफ्ट लाइक दिस. उसके बाद ये बिगर नॉब यू कैन सी. इस नॉब से ये ऊपर या नीचे मूवमेंट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज कोर्स एडजस्टमेंट. कोर्स एडजस्टमेंट मीन्स जब हमको सिंपली फोकस करना होता है तो हम इसको ऐसे मूव करते हैं. लेकिन जस्ट कीप इन माइंड इसको ऐसा नहीं है बेटा कि ऐसे रख के और सिंपली आप मूव करते रहो. नो व्हाट वी हैव टू डू You have to keep your eyes like this. Have to adjust the light, and then you have to move like this. If it gets focused, okay, this is the torus focus. Now, fine, fine focus के लिए we use like this. बहुत small amount में move करता है, but it gives a very fine focus. Okay, so this is how we can focus it on the object and see the slides of the different. टिश्यू और द ऑर्गन और द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. नाउ जस्ट दिस इज अ डायसेक्टिंग बॉक्स और डायसेक्शन बॉक्स. प्रीवियसली डायसेक्शन बॉक्स बेटा हर स्टूडेंट के लिए मस्ट था बिकॉज प्रीवियसली हम लोगों को फ्रॉग का आर्थवॉर्म का कॉकरोच इन सब का डायसेक्शन करना होता था. बट नाउ डेज The dissecting of dissection of the living organism is completely banned. तो हम लोग अब dissect करते हैं तो केवल क्या करते हैं बेटा plants उसके stem का root का root की जब mitosis करते हैं तो dissection करते हैं. तो फिर भी the dissecting box is this and what are these? सबसे first एक मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा. This is called as forceps. It is a forceps. If we have to pick any of the specimen, एक वॉच क्लास देना. अगर हमें कोई भी स्पेसिमेन पिक करना है वॉच क्लास में हम लोग सेक्शन कट करके रखते हैं और कोई भी स्पेसिमेन को पिक करना है तो वी जस्ट पिक बाय दिस मैनर. तो अगर हमको बहुत शॉर्ट. नाउ द अनदर वन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
another important part is this. What is it? Razor beta. It is a razor. How we have to hold it? We have to hold it like this. Two fingers should be like this. One finger should be here and thumb should be here. कुछ बच्चे इसको ऐसे पकड़ते हैं. No, this is the wrong way. This is the right way. Okay? This is the right way to hold the razor. Now, किस लिए काम आता है बेटा razor? Biolab में. Stem cutting. जैसे हमने वहां पे चार्ट पे देखा था TS of the dicot root. यहाँ पे हमने देखा था TS of the monocot root. तो वही dicot root या monocot root का अगर हमें specimen लेना है और उसके sections को cut करना है तो we use this razor. इस razor को हम use करते हैं. अभी प्रीतम सर लेके आते हैं एंड आई विल जस्ट कट करके और मैं आपको दिखाऊंगी. तब दिस इज नीडल. नीडल इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द स्पेसिमेन. जो हमने कट किए हैं सेक्शन उनको हल्का सा सेपरेट करने के लिए वी यूज दिस नीडल. ओके, तो इन चीजों का यूज करा जाता है. दूसरी चीज होती है बेटा नाउ Yes, this is the structure of the stem. Stem का एक part है और अगर हमें stem cutting करनी है यानी उसका section देखना है तो section देखने के लिए we use this razor. और इसको हम लोग simply इस तरह से लेके जाएंगे तो ये इसके अंदर ये आते हैं बटन और इनको हम सिंपली रख के वाटर बॉटल कि ये ड्राई ना हो जाए इसके लिए इसको हम वाटर बॉटल से कोई बात नहीं इसमें भी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास. वॉच ग्लास में हम लोगों ने स्पेसिमेन को कट करके रखा. This specimen should be very thin. Okay, it should be very thin and it can be done with a very sharp razor. Okay, then you know this is the slide and on this slide this specimen has to be kept and then it has to be colored. Okay, इसपे saffron and talc इसको stain किया जाता है. So these are the various things which are present in the dissection box and you should know the various things. Now we are coming on to the next section of the biology lab. Now there are certain you can say apparatus which are used in doing the various practicals of the biology. Now this is, you know what is it? Watch glass. We already studied over there. This is a watch glass जिसके अंदर हम usually specimens को रखते हैं कट करने के बाद में या स्ट्रेन करते टाइम. This is called as petri dish. You all should know what is it. It is a petri dish. Okay. Now, this is called as the burner. Okay. So this is spirit lamp. We have said that usually. So this is spirit lamp. It is a tripod stand on which the things are kept. This is the net which has to be kept on the tripod stand. And this is the what is it? इट्स अ वायर गेज. ओके, तो ये वायर गेज है विच वी हैव टू कीप इट ओवर हियर. व्हेन स्पिरिट लैम्प को हम जब बर्न करते हैं तो उसकी फ्लेम डायरेक्ट इस पर नहीं है. एंड दिस इज चाइना डिश जिसके अंदर अगर हमको बहुत ज्यादा हीट करना है तो वी यूज द चाइना डिश फॉर द हायर टेम्परेचर. ओके, नाउ यू कैन कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. दिस इज फ्लास्क and this is the funnel. Now why funnel is used? If we have to filter anything we use this funnel. What is it? It is actually filter paper. This filter paper is of good quality filter paper. It is called as Wortmann filter paper. If we have to filter, if we need a very small size of the pore, we use this filter paper. Now how we have to keep it on the funnel? First we have to fold like this. Then we have to fold in this manner. Double fold किया बेटा. उसके बाद हम लोगों ने इसको एक साइड से 3 fold रहेगा, एक साइड से 1 fold, and we have to put it over here.
एंड इसके अंदर हम कोई भी चीज अगर हमको फिल्टर करना है तो वी जस्ट पोर इट. जब पोर करेंगे तो जो फिल्ट्रेट है वो नीचे चला जाएगा, रिटेनेंट रिटेन रह जाएगा इसके अंदर, एंड देन वी कैन यूज. नाउ द अनदर वन इज द टेस्ट ट्यूब्स. डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आर देयर. दिस इज अ सिंपल टेस्ट ट्यूब. नाउ द टेस्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट लाइक द डिटेक्शन ऑफ द हाउ द एक्शन ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज टेक्स प्लेस, हाउ डीएनए हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड, इन दैट ऑल्सो वी यूज द टेस्ट ट्यूब. मीन्स टेस्ट ट्यूब आर यूज फॉर टेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन द फूड. नाउ टेस्ट ट्यूब शुड ऑलवेज बी होल्ड इन दिस वे, इट शुड बी होल्ड इन दिस वे. दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, एंड वेन द टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड देन इट हैज टू बी केप्ट ओवर हियर. Okay, and when after keeping, it has to be removed like this. This appear to be like a test tube, but it is not a test tube at all. It is a boiling tube. हम कह देते हैं कि ये test tube है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? Boiling tube, क्योंकि इसका जो material है, glass material, वो थोड़ा सा strong है, can tolerate high temperature also. As comparison, ये नहीं है कि ये tolerate नहीं करती, ये भी tolerate करती है, but बॉइलिंग ट्यूब है. तो जब जब हमें बॉइल करना होता है लॉन्ग टाइम के लिए तो वी यूज दिस बॉइलिंग ट्यूब. एंड इफ इट इज एम्प्टी वी हैव टू कीप लाइक दिस, इफ इट इज फिल्ड देन वी हैव टू कीप इट इन दिस वे. ओके, नाउ दीज आर द डिफरेंट साइज की बोरोसिल के हैं. यूजली बोरोसिल ही यूज किया जाता है और ये डिफरेंट साइजेस के हैं. Either this is the small one which is of the 80 ml and this is of the 200 ml which we use to keep the liquid. Liquid मतलब अगर हमको कोई भी जैसे salivary amylase का experiment करना है तो हम इसके अंदर starch solution रख सकते हैं. इसके अंदर हम starch solution रख सकते हैं अगर according to the requirement कि बच्चों के strength क्या है, कितना starch solution बनाना है, उसके according we can use this. Now, the next one is this, the measuring cylinder. It is also very important. कि how much amount of the things we have to add. So first we have to measure it, and then after measuring it, we have to pour it in the test tube or in the boiling tube. So that's why this measuring cylinder is also must in the biology lab. So today you have seen the various instruments or the various apparatus which are used for the biology lab. Now in the next video we will study or we will do certain other experiment also. Okay.